अगर मैं ये कहूँ कि वी हैव विद अस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज माशाल्लाह से ऑफ शोबिज, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. ब्यूटीफुल, ग्लैमरस, ग्लैमरस, टैलेंटेड, आई मीन इतने सारे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो सकते हैं कि मेरे ख्याल में वक्त खत्म हो जाएगा. लेकिन कहने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका नाम जो है उनसे हर पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तानी क्या मैं कहूँगा, अक्रॉस द बॉर्डर क्या, पूरी दुनिया में शी इज वेरी वेरी वेल नोन. खातिन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, द वन एंड ओनली ज़ेबा बख्तियार. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू यू. ज़ेबा जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. आजकल क्या हो रहा है? आजकल वही हो रहा है, काम करने की कोशिश कर रहे हैं. चैनल्स बहुत सारे हैं, काम बहुत सारा है, और सीरियल्स हैं, सोप्स हैं, टेलीफिल्म्स हैं, हर किस्म की चीज़ें हैं. फुल टाइम इनटू प्रोडक्शन? असल आई एंजॉय प्रोडक्शन मच मोर. ओके. आई एंजॉय डायरेक्टिंग, आई एंजॉय प्रोडक्शन. बड़ा मज़ा आता है ना खुद एक चीज़ क्रिएट करने में. जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो तो आप किसी और के पुतले होते हैं, डायरेक्टर के पुतले होते हैं. यू आर सब्जेक्ट टू अ कैरेक्टर दैट इज बीन रिटन बाय अनदर राइटर. जो राइटर की सोच है, जो डायरेक्टर की सोच है, अक्सर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते. मैं तो खैर नहीं करती हूँ, लेकिन आपने कमिटमेंट कर लिया तो करना पड़ता है. लेकिन जब आप खुद कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो अपनी सोच होती है, अपनी क्रिएशन होती है, खुद आप कैरेक्टर्स बनाते हैं, खुद आप कहानी सिचुएशंस उसमें. मुझे अच्छा, कमिंग फ्रॉम क्वेटा व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी अ कंजर्वेटिव प्लेस, फादर इन गवर्नमेंट सर्विस, अटॉर्नी जनरल भी थे आपके, एक इस तरह का माहौल होगा घर का, उसमें से शोबिज में आना बहुत मुश्किल काम होगा वी अज्यूम. मुश्किल काम नहीं, पागलपन का काम है. पागलपन का काम. हाउ डिड यू मैनेज दैट? शेयर बगावत. अच्छा. असल में मैं घर में छोटी थी तो इसलिए वालिद साहब ने काफ़ी ढील दे दी थी. हालांकि उनको, उन्होंने सबसे कम कहा इस बारे में. जैसे मतलब भाइयों को भी नहीं अच्छा लगा घर में, जितने लोग थे फैमिली फ्रेंड्स में. मैं मतलब जितनी देर बड़ी हो रही थी, आई डिडंट इवन नो एनीवन फ्रॉम शोबिज़. वो टीवी पे देखा था. मुझे याद है एक मरतबा सच कप आती थी टी वी पे, तो लाहौर आए हुए थे. तो जाहिर है वो सुहेल हाशमी शाह साहब वगैरह आते थे, तो अरशद महमूद साहब और सलमान शाहिद साहब तब वो करते थे, तो वो मोटर बाइक पर नजर आए. तो हमने गाड़ी दौड़ा दौड़ा के उनके पीछे, के बारिश हो रही थी, तेज सर्दियां थी. अच्छा. लेकिन वो इतनी फैसिनेशन थी कि ये वो है जो टीवी पे आते हैं. हाँ, वो ये हाँ, प्रोग्राम हाँ, देख रहे हो. नहीं, उनसे बड़ी दोस्ती है. जी बिल्कुल बताया. सही. अच्छा मुझे ये बताएं ज़ेबा जी, माशाल्लाह आपने छोटी स्क्रीन पे भी काम किया, यू वर्क्ड इन सो मेनी प्लेस, देन आपने मूवीज में भी काम किया, अक्रॉस द बॉर्डर भी. कौन सी फील्ड, मैं कहूँगी फील्ड भी नहीं, मैं छोटी स्क्रीन पे काम करना वाज बेटर ऑफ फॉर यू? ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली एज कम्पेयर टू बड़ी स्क्रीन? बात ये है, ये सवाल ऐसा है कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि आपको सेकेंडरी स्कूल में मज़ा आया, यूनिवर्सिटी में मज़ा आया. मज़ा तो दोनों जगहों का अलग होता है, लेकिन टेलीविजन इतना डिमांडिंग नहीं है. टेलीविजन पे आप आ जाते हो, आपका इतना सा फ्रेम है, आप उसमें अगर एज अ डायरेक्टर कितना कर लोगे, जितना भी कर लोगे ना, आप फिर भी जरा महदूद है, बिकॉज यू कांट गो लार्जर देन लाइफ. फिल्म तो लार्जर देन लाइफ होता है, आप अपनी इमेजिनेशन को जहां मर्जी ले जाएं. तो टेलीविजन बनिस्बत आसान है और इट्स मच फास्टर. फिल्म में आपकी लाइटिंग में भी ज्यादा, कैमरा टेक्निकली मुख्तलिफ है, लाइटिंग में ज्यादा टाइम लगता है. हर शॉट इतना मैग्नीफाइड होता है कि आपको जरा जरा सी बारीकी पे भी ना बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ता. लाडली भी थी, करनी भी थी, टीवी पे काम भी करना था. फर्स्ट टाइम जब कैमरे के सामने आई तो क्या रिएक्शन था? नर्वसनेस थी कि नहीं? क्यूरियोसिटी थी और फैसिनेशन थी ज्यादा. असल में मुझे कभी, आई हैव नेवर बीन एन एक्ट्रेस एट हार्ट. मुझे कभी ये नहीं था कि मैं बड़ी होकर एक्ट्रेस बनूंगी. शायद अभी बड़ी होकर बन जाऊं. कभी ये शौक नहीं था. अच्छा. मुझे असल में जब मैं शुरू में आई थी, जैसे कॉलेज में, यहाँ पे कनेड में थी, तो बैक स्टेज काम करने का बड़ा शौक था. क्योंकि मैं हॉस्टल में थी तो जब भी कोई प्रोडक्शन होती थी तो हमें सारा काम दिया जाता कि तुम मतलब प्रॉप्स भी बना लो, कॉस्ट्यूम्स भी देख लो, सेट्स भी देख लो. मुझे वो चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी. फिर मुझे लिखने का शौक हुआ, स्टोरीज लिखने का शौक. मुझे याद है मैं पहली मरतबा पीटीवी गई थी तो एक स्टोरी लेके गई थी, और ये 22 साल पहले की बात है, 88 में. अच्छा. तब मुझे डांट पड़ी थी, ये आपने कैसी कहानी लिखी है, इसमें तो औरतें जो है वो सिगरेट पी रही है. मैंने, किन्होंने डांटा था? इकबाल अंसारी साहब ने. अच्छा. उन्होंने कहा ये कैसी कहानी है, इसमें औरतें सिगरेट पी रही है. मैंने कहा जी चर्स भी पीती हैं. तो उन्होंने कहा ये हम नहीं कह सकते टीवी पे. मैंने कहा लेकिन सच है, सच क्यों नहीं कह सकते? अभी तक शायद सच नहीं कह सकते, इतना अरसा गुजर गया, इतना कुछ बन सके, लेकिन सच कहने की इजाजत नहीं है. अच्छा ज़ेबा जी, मुझे आपसे ये बेसिकली पूछना है कि आपने अनारकली वॉज योर लाइक डेब्यू, एक किस्म का आपको एक लार्जर देन लाइफ इमेज आपको मिला उस? असल में मेरा उस वक्त इरादा था कि चलो एक प्ले करके देख लेते हैं कि क्या होता है, खासकर क्योंकि इकबाल अंसारी साहब ने मुझे इजाजत दी थी उसमें स्क्रिप्ट में काफी इन्वॉल्व रहने की. मैंने कहा चलो एक प्ले करके देख लेते हैं क्या होता है. उसके बाद
मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है. आई वॉज नेवर मतलब मुझे कभी इतना नहीं था कि फिल्में देखो या टीवी. ठीक है, देखती थी, जरूर देखती थी, बट इतना भी कोई जुनून नहीं था. तो जब हुआ भी, मैं कराची से शूटिंग करके मैं क्वेटा जाके आराम से बैठ के, इकबाल सर ने मुझे फ़ोन किया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया. अच्छा, फिर बाकी ऑफर्स आने लगे, फिर मैंने कहा कि और अभी कुछ करने को नहीं है, चलो कर लेते हैं. पेरेंट्स ने मास्टर्स, कहा यूनिवर्सिटी जाओ, लॉ कॉलेज जाओ. मैंने कहा पढ़ाई से तो बेहतर है कि यही कर तो आपने लूँ. पढ़ाई से बचने के लिए मजीद प्लेस करना शुरू कर दिया. इकबाल बस अंसारी हैज बीन योर मेंटोर थ्रू आउट. एक्चुअली इन अ वे सायरा काज़मी वाज, बट देन दैट प्ले नेवर टुक ऑफ. तो फिर इकबाल अंसारी वाज माय मेंटोर आफ्टर ओके दैट. ओके. अच्छा, उसके बाद दोबारा हाइप एक बहुत क्रिएट हुई जी. हिना फिल्म के लिए हीरोइन तलाश करनी थी, पाकिस्तान आए ऋषि कपूर और रणधीर कपूर उनके भाई मेरे ख्याल में. नहीं नहीं वो असल में हुआ ये था कि तब हसीना मोइन साहिबा ने मुझे तानसेन का कहा था, और तो हसीना साहिबा तब लिख रही थी राज कपूर साहब के लिए. तो हसीना आपा ने उनसे कहा था मेरा, अच्छा उन्होंने और वो रेकमेंड किया. अनारकली की वीडियो टेप उन दिनों में फिरते होते थे, तो वो वीडियो टेप भी शायद देखा. तो जब हसीना आपा ने मुझे फ़ोन किया कि तुम आ जाओ, मैंने कहा हसीना पर टीवी करके बहुत जूते पड़ गए, आप फिल्म की बात. नहीं 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 कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ. तो वो हसीना आपा की इज्जत इतनी थी कि वो कहते, उन्होंने कहा कि स्ट्रीट ड्रेस के लिए आ जाओ. मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि कहाँ से फिल्म, कहाँ से क्वेटा. मैंने कहा चलो जाके इंडिया देखाते, 3 दिन देखते होता क्या है. क्यूरियोसिटी होती है हाँ, उस उम्र में. फर्स्ट ट्रिप था इंडिया का. फर्स्ट टाइम इंडिया कहाँ जाते थे ठीक. हम लोग. तो मुझे बस ये था कि जाके इंडिया देखा थे, 3 दिन में कौन सी फिल्म मिलनी, कौन सा कुछ होने, जाके देखते क्या होता सही. है. स्क्रीन टेस्ट करके मैं वापस आने आने के लिए तैयार हुई. जब उन्होंने कहा कि आपको नेक्स्ट मंथ वापस आने शूटिंग के लिए, तो मेरा दिल बाहर आ गया. मैंने कहा मैं डैडी को क्या बोलूंगी. फिर आपको इजाजत मिल गई, कुछ कच्ची पक्की मिल ही गई. कच्ची पक्की मिल अब गई. लेकिन आपने कर लिया. अच्छा मुझे ये बताएं, फिल्म्स में ऑब्वियसली जब काम करना होता है तो डांस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ फिल्म. मतलब फिल्म में अगर एक हीरोइन काम कर रही है, चाहे जितनी अच्छी एक्टिंग कर ले, अगर डांस अच्छा नहीं करेगी बिल्कुल तो वो उस तरीके से वो फिट इन नहीं करेगी. तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं हुई डांस बहुत के अंदर? प्रॉब्लम हुई. हालांकि डांस वो समथिंग जो मैं शुरू से इंटरेस्टेड थी, लेकिन हमारे माशरे में मतलब हाँ पहले के वक्तों में ये था कि क्लासिकल उस्ताद होते सही थे. हमारे मेरे वक्त पे तो कोई भी नहीं था, ठीक है. और फिर वो हमारे घर में तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि डांस या क्लासिकल म्यूजिक से इंटरेस्ट तो था. मुझे इस वक्त पे बड़ा शौक था कि मैं सितार बजाना, आई वुड लर्न टू प्ले द सितार. वो था कि सवाल ही नहीं पैदा होता. तो फिर इंडिया में मुझे क्लासेस के लिए भेजा था ठीक है. रणधीर ने, बट अगेन ऑब्वियसली बहुत फर्क होता है, एंड इट्स नॉट समथिंग विच इज जो हमें नेचुरली आता है, क्योंकि वहां पे तो स्कूल से बच्चे सीखते हैं. सही. तो उसके बाद ये नहीं कभी हुआ कि यार मतलब मैं किधर फंस गई हूँ, मुझे तो डांस ही नहीं आता और डांस भी सीखना पड़ रहा नहीं, है, तब तो अच्छा खासा छलांग मार मेडिट. दी ना नहीं इन्होंने. नहीं आप जब छलांग मार दी तो हाँ, फिर तैरना ही उसके बाद पड़ता फिर ना. आप ये नहीं सोचते कि पानी गहरा है या हल्का है. नहीं, बात अच्छा ये है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर डायरेक्टर. इफ यू ट्रस्ट योर डायरेक्टर, आपको पता है कि ठीक है, अब वो बुरा शॉट तो नहीं ओके करेंगे, सही. ठीक है, भले वो 10 टेके करे, भले 20 टेके करे. यू जस्ट हैव टू मतलब आप ये सोच रहे हैं कि भाई आप मेहनत आपने करनी है, बाकी देखने वाले. कॉन्फिडेंस होना चाहिए. एक्टिंग अब आपने बिल्कुल छोड़ दी है, नहीं सिर्फ डायरेक्शन नहीं, नहीं प्रोडक्शन एक्टिंग कर रही हूँ. अभी एक प्ले चल रहा है ARPI पे, ठीक. शहरे दिल की, क्या है, शहरे दिल के दरवाजे. सही. अच्छा जेबा जी मुझे ये बताएं, प्रोडक्शन भी, डायरेक्शन भी, एक्टिंग भी, यू हैव अ सन माशाल्लाह से, तो फिर कैसे मैनेज करती हैं टाइम के हवाले से? गालिबन ही इज इन ऑल इन हिज ओ लेवल्स. ही इज़ इन हिज ओ लेवल्स. ओके. ही इज जस्ट, ही इज़ ऑन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ही डू दिस ईयर इन द विंटर इनशाला. द थिंग इज दैट आई ट्राई टू वर्क फ्रॉम होम. जैसे प्रोडक्शन हाउस का भी जो है ना, एडिटिंग वगैरह घर में है, ठीक है, स्क्रिप्ट डिवेलपमेंट घर में होती है, तब मैं निकलती हूँ जब शूटिंग करनी होती है. सो अदरवाइज आई एम नॉट अ सोशल पर्सन. आई हार्डली गो आउट, मतलब महीने में एक आध दफ़ा निकले तो निकले. और अदरवाइज एक्टिंग कुछ हो ही जाता है. स्ट्रिंग्स में आपको एक ग्लैमर ग्लैमरस फेस के तौर पे जो है पेश किया गया. ऑब्वियसली पीपल नो योर नेम सारा. वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, वो असल में ये वीडियो था कि का जामी से के एक आध का वर्ष मैंने किया था, तो जामी ने कहा था कि एक फेवर कर दो. मैंने कहा मतलब कुछ इट्स एक समवन वो सेज के फेवर कर दो. मैंने कहा ठीक है. सो एज अ फेवर आपने वो किया था? हाँ, तो मैंने किया था. आई एंजॉयड इट, मज़ा आया, बड़ा अच्छा शूट किया उन्होंने. सही सही. थैंक यू सो मच जेबा जी. वक्त कम है, बातें इतनी सारी आपसे हो सकती है. कोई मैसेज आप जाने से पहले नाजरीन को देना चाहें तो? खुश रहें, अच्छी बातें सोचें, और अपने से पहले मुल्क के लिए और अपने साथियों के लिए, बाकी पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए अच्छा सोचें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो दिस वॉज जेबा बख्ते आरोनियो ऑन जागो दुनिया.